بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے دوستوں علم جعفر کے مطابق پانچ سیارے اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں جن میں شامل ہیں سن مارس مرکری وینس اور جوپیٹر اور ان سیاروں کی تبدیلی کی وجہ سے بدھتیا راج یوگ ترگراہی راج یوگ یعنی کہ ٹرائیکون راج یوگ اور ادتیا منگل راج یوگ بن رہا ہے और इस बड़ी तब्दीली की वजह से कुछ पुरुष की जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, उनकी दौलत में बेइंतहा इजाफा होने वाला है और इस तरह कुछ पुरुष को एहतियात की जरूरत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि से हम वीडियो की कोई खास बात आपसे रह न जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन गुरुज के बारे में जिनको इस ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, उनके माली मामला अच्छे होने वाले हैं। सैयारों की इस ट्रांजिट से उनकी दौलत में बेइंतहा इजाफा होगा, सेहत के मामला उनके अच्छे रहेंगे, घरेलू मामला बेहतर होंगे। अगर वो मुलाजमीन हैं तो उनको मुलाजमत में तरक्की मिलेगी। अगर वो कारोबारी पेशे हैं, कारोबार करते हैं तो उनके कारोबार में इजाफा होगा और शादीशुदा मामला उनके अच्छे रहेंगे। जिन बुर्जों को फायदा होने वाला है उनमें सबसे पहले नंबर पर है बुर्जे सौर यानी कि टॉरस। तो बुर्जे सौर वालों इस ट्रांसिट की वजह से आपका मुकद्दर हर काम में आपका साथ देगा, आपके बिजनेस के मामला बहुत शानदार रहने वाले, आपके कारोबार में इजाफा होगा, आपके कारोबार में तरक्की होगी, आप अपने कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी मुलाजमत के हवाले से भी ये ट्रांसिट बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपको नौकरी में तरक्की भी मिल सकती है, प्रमोशंस हो सकती हैं या आपको बोनस भी मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आपको आपकी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगी, आपके कामों में तेज़ी आ जाएगी, जो काम आपके रुके हुए थे वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे, आपके हालात बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा और आपकी कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी खूबसूरती आएगी, आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे तो ये ट्रांसिट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके घरेलू मामला भी अच्छे रहेंगे, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुक बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मोहब्बत में हैं तो आपके मोहब्बत के मामला भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो बात करें अगर सेहत की तो सेहत के हवाले से भी ये ट्रांसिट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सियारों की इन ट्रांसिट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बुर्जे सौर वालों हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि किसी पीली चीज़ या हरी चीज़ का सदका करें। तो बुर्जे सौर वालों आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस लिस्ट में जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा। तो बुर्ज मीज़ान वालों इस ट्रांजिट से आपको भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा, आपके सेहत के मामला अच्छे रहेंगे, लव लाइफ आपकी बहुत शानदार रहेगी, घरेलू मामला आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार के हवाले से भी आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मुलाजमत पेशे हैं, नौकरी में तरक्की मिल सकती है। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो ये आपके लिए आइडियल टाइम है कि आप नई जॉब के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते हैं या किसी बैरन मुल्क में कोई तिजारत करते हैं तो उस हवाले से भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके सेहत के मामला भी अच्छे रहेंगे और लव लाइफ भी आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, करियर के मामला भी आपके बहुत शानदार रहेंगे और आपकी रूहानियत में भी इजाफा होगा, आपकी एनर्जीज बढ़ेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बैरून मुल्क सफ़र पर भी जा सकते हैं या तो कारोबार के हवाले से या फैमिली के साथ, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बुर्जे मीज़ान वालों ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपको चाहिए कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए किसी हरी चीज़ का सदका करें और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो गोश्त का सदका दें। तो बुर्जे मीज़ान वालों
आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियां दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस लिस्ट में जो अगला जोड़ी साइन है वो है सेगिटेरियस बुर्ज कॉस। बुर्ज कॉस वालों, आपको इस ट्रांजिट से माली और मुआशी दोनों फवायद हासिल होंगे। आपका मुकद्दर हर काम में साथ देगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में तरक्की होगी, आप कारोबार में इजाफा भी कर सकते हैं और अगर कारोबार में इजाफा करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी की जगह पर भी बहुत फवायद हासिल होंगे। आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है या आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई बोनस भी मिल सकता है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम अगर आप अपने काम पर मेहनत करेंगे या कारोबार में मेहनत करेंगे तो आपको लाजमी कामयाबी हासिल होगी। आपके घरेलू मामला भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आप औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो इस टाइम आपको औलाद भी मिल सकती है। सफ़र के हवाले से आपका ये टाइम बहुत अच्छा है। फाइनेंस के मामला भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपके सेहत के मामला भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वो बुर्ज कॉस वाले अफराद जो कि नौकरी की तलाश में हैं तो वो इस टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर दें। जॉब के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और सबसे बढ़कर ये कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी। बुर्ज सौर वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि किसी पीली चीज़ का सदका करें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करे जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोड़ी साइन है वो है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, जिनके हालात इस ट्रांजिट की वजह से बहुत बेहतर होने वाले हैं। सियारों की इस ट्रांजिट से आपके मोहब्बत के मामलों में आपको कामयाबी मिलेगी। आपको काम के हवाले से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके जो पुराने रुके हुए काम थे, जिन काम में रुकावटें थी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत शानदार रहेंगे और इस दौरान आपको माली फवायद हासिल होंगे। कारोबारी हवाले से भी आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में आपकी तरक्की होगी और अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आपके पुराने दोस्त आपको दोबारा से मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। बैरनोमिल जॉब के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बैरनोमिल सफर जाना चाहते हैं कारोबार के हवाले से या आउटिंग के लिए, तो इस हवाले से भी ये टाइम आपका बहुत अच्छा है और इस दौरान वीनस आपके लिए राजयोग भी बना रहा है, तो आप लोगों के काम भी आएंगे और उनकी मदद करेंगे। आप बहुत सोशल भी रहेंगे और आपके काम में बहुत बेहतरी आएगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी नौकरी के हवाले से आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आपको एप्रिसिएशन मिलेगी या जॉब में प्रमोशन भी मिल सकती है। आपके मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। शादीशुदा मामलात आपके अच्छे रहने वाले हैं और ख़ासतौर पर इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अपने अंदर एक अच्छी तब्दीली फील करेंगे और इस दौरान आपका रुझान रूहानियत की तरफ भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आप उमरे पर या ज़ियारत पर भी जा सकते हैं। तो बुर्ज जद्दी वालों, सियारों की इस ट्रांजिट से आपको ओवरऑल बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको चाहिए कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो गोश्त या मछली का सदका दें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस लिस्ट में जो अगला जोड़ी साइन है वो है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ। बुर्ज दल्फ वालों, सियारों की इन ट्रांजिट से आपको भी बहुत माली फवायद हासिल होंगे। आपके कारोबार में इजाफा होगा। ये टाइम आपके कारोबार की तरक्की के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपके कामों में बहुत तेजी आएगी और इस ट्रांजिट से आपके बैंक बैलेंसेस में इजाफा होगा और हर काम में मुकद्दर आपका साथ देगा। आपकी शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा। आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। आमदनी के नए नए ज़राए पैदा होंगे। ऐसे अफराद जो कारोबार करते हैं और पार्टनरशिप में हैं तो उनके हवाले से भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके
पुराने इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे और सफ़र के लिहाज से भी आपका ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम सैयारों की ट्रांजिट आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो बुर्ज दिल वालों ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। आपको चाहिए कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए किसी पीली या हरी चीज़ का सदका करें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों, अब उन बुर्ज के बारे में बात कर लेते हैं जिनको इस ट्रांजिट के दौरान अपनी मोहब्बत के मामलात में, कारोबारी मामलात में, नौकरी के मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। इस लिस्ट में जो पहला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। बुर्ज सरतान वालों, आपको इस ट्रांजिट के दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत है कारोबारी हवाले से। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हवाले से आपको ख्याल करना चाहिए। कारोबारी लेन देन में आप एहतियात करें, आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कारोबार में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से भी आपके कोलीग्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात डिस्टर्ब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इस दौरान कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी, जब भी आपको फवायद हासिल होंगे। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको चाहिए कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए गोश्त या मछली का सदका करें। तो बुर्ज सरतान वालों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करे जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। चाहते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है वर्गो यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला वालों, सियारों की इन ट्रांजिट से आपको बहुत मोहतात रहना होगा। आपको ख्वाहिशात की तकमील में परेशानी हो सकती है और ड्राइविंग के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। अब कोशिश करें कि ड्राइविंग कम से कम करें। आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इस दौरान आपको जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, तो आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। शादीशुदा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं नज़र आ रहा। आपको जॉब के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी और समझदारी दिखाना होगी। और इस दौरान आपको अपने जज्बात काबू में रखना है। आमदनी के हवाले से भी ये टाइम आपका मिला जुला है, जिसके लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस वक्त में खूब अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें और हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि किसी पीली चीज़ का सदका करें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो गोश्त या मछली का सदका करें। तो बुर्ज सुमला वालों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रम। तो बुर्ज अक्रम वालों, सियारों के इन ट्रांजिट से आपके हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आपके काम में ताखीर होगी। इस दौरान आपकी आमदनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही और आपके अखराजात में भी इजाफा होगा। आपके काम में आपका दिल नहीं लगेगा। करियर के हवाले से ये टाइम आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको कारोबार में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने दुश्मनों से भी बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। आपके सेहत के मामले मिले जुले रहेंगे। आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। शादीशुदा मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे के हवाले से ये टाइम आपके लिए कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मोहब्बत के मामलात डिस्टर्ब रहेंगे। इस दौरान कारोबार में और जॉब में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी। तो बुर्ज अक्रम वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि किसी पीली चीज़ का सदका करें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप गोश्त या मछली का सदका करें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं।
जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस लिस्ट में जो अगला जोरिक साइन है वो है पाइसिस यानी कि बुर्जहूत। बुर्जहूत वालों, आपको इस दौरान आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपको नज़रबद का सामना भी करना पड़ सकता है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप रूहानी तौर पर इसका इलाज करें, जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें, अपना ज़्यादातर टाइम इबादत में गुजारें। इस दौरान आप ज़हनी तौर पर दबाव महसूस करेंगे, आपको ज़हनी टेंशन भी हो सकती है। इस दौरान आपको सेहत पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, आपको जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। सफरी मामलात के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा आपको ड्राइविंग में एहतियात की ज़रूरत है। ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट होगी, घरेलू मामलात आपके मिले जुले रहेंगे, लिहाजा आपको चाहिए कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए तो गोश्त या मछली का सदका करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें, आपकी तमाम परेशानियां दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करे जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब उन बुजुर्गों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनकी ज़िंदगी इस ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा तब्दील तो नहीं होगी, लेकिन उनके मोहब्बत के और माली मामलात बहुत अच्छे रहने वाले। तो इन ज़ोडियक साइंस में पहले नंबर पर जो है वो है बुर्ज हमल यानी कि एरीज। तो बुर्ज हमल वालों, इस दौरान आपको माली फवायद हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके कारोबार में तरक्की होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका काम के हवाले से भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में आपको तरक्की भी मिल सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है या प्रमोशन मिल सकती है या कोई रिवार्ड भी मिल सकता है, आपके काम को सराहा जाएगा। और कारोबारी पेशा हैं तो आपके कारोबार में इजाफा होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोई बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को इनक्रीज़ करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपका ये टाइम अच्छा है। इस दौरान आपका कोई इनाम भी निकल सकता है, अगर आपने कोई लॉटरी ले कर रखी है, कोई प्राइज बॉन्ड ले कर रखे हैं तो इस दौरान उसके निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलेगी, माली फवायद मिलेंगे, दोस्तों की तरफ से गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। तो सियारों की ट्रांजिट आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आपको चाहिए कि हालात की मजीद बेहतरी के लिए किसी पीली या हरी चीज़ का सदका करें, और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो गोश्त या मछली का सदका दें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोड़ी साइन है वो है बुर्ज जौजा यानी कि जेमिनी। बुर्ज जौजा वालों, इस दौरान आपको माली तौर पर बहुत फवायद हासिल होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई जायदाद लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, आप कोई गाड़ी वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट हासिल होगी और इस दौरान आपकी शोहरत में भी इजाफा होगा, आपको अपने काम में कामयाबी मिलेगी, आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास पैसा आएगा, घरेलू ज़िंदगी में खुशी आएगी और आप अपनी सोशल लाइफ में एक्टिव रहेंगे, लोगों की बहुत मदद करेंगे। करियर के हवाले से आपका ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा माली फवायद हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको चाहिए कि हालात की मज़ीद बेहतरी के लिए किसी हरी चीज़ का सदका करें, और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो गोश्त या मछली का सदका दें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुशहाल रहें और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोडिक साइन है वो है लियो यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों, सियारों की इन ट्रांजिट से आपको भी बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है, आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी, कामों में आपके तेज़ी आ जाएगी, जो काम आपके रुके हुए थे वो काम दोबारा से चल पड़ेंगे, जिनसे आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, आमदनी के नए नए ज़राए पैदा होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। जो मरकरी राजयोग बना रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप के मामला भी उनके बहुत अच्छे रहने वाले हैं और मोहब्बत के मामला में भी कामयाबी होगी।
और शादीशुदा अफराद के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आपके कारोबार में तेजी होगी। आपकी उलझने जो काफी टाइम से आपके जहन में चलती हुई आ रही थी, वो उलझने खत्म हो जाएंगी। मोहब्बत के रिश्ते बेहतर होंगे। आपके सोचने समझने का अंदाज तब्दील होगा। कारोबार में इजाफा होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में भी आपको तरक्की मिल सकती है। आपको एप्रिसिएशन मिलेगी या कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो बुर्ज असद वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि किसी हरी चीज़ का सदका करें, और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो गोश्त या मछली का सदका करें। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कराते रहें, सदा खुशहाल रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएं, और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करें जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। अगर आप हमसे किसी बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं या अपने नाम के पहले हर्फ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।